गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी की का टॉपिक एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिसके अंतर्गत सॉइल पोल्यूशन, प्राकृतिक प्रदूषण के अंतर्गत मृदा प्रदूषण की आज अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल पोल्यूशन, जो अपना मृदा प्रदूषण है उसका परिचय कि मृदा प्रदूषण होता क्या है। तो जो मृदा प्रदूषण है, सॉइल पोल्यूशन है, वो सॉइल की क्वालिटी में अवांछित गिरावट है या वो परिवर्तन है जो या मेन इंड्यूस सोर्सेज या नेचुरल सोर्सेज या फिर इन दोनों की किसी की भी वजह से हुआ है। और वो परिवर्तन जो सोइल की क्वालिटी में गिरावट करता है और उसमें उसकी वजह से जो उस सोइल में सर्वाइव करने वाला बायोटा है उस पर एडवर्स इफेक्ट डालता है, तो उसे अपन सोइल पोल्यूशन का नाम देते हैं, मृदा प्रदूषण उसे कहते हैं। और मृदा प्रदूषण जो है वो अपना इम्पोर्टेंट पार्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की ग्रोथ में या फिर फूड के ग्रो करने में ही नहीं, बल्कि जो इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए भी रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए इसका महत्वपूर्ण रोल होता है सोइल का। और सोइल की जो हेल्थ है, जो सोइल का खुद का कंपोजिशन है, नेचुरल कंपोजिशन है, वो भी जो ह्यूमन सर्वाइवल है उसके लिए सिग्निफिकेंट आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है ये। अब अपन देखते हैं कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन या सॉइल पोल्यूशन, कि सॉइल की क्वालिटी में गिरावट आती कैसे है। तो सॉइल की जो सॉइल पोल्यूशन है उसके कारण बहुत सारे वेस्ट होते हैं। और वो वेस्ट कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कि वो डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है, घरेलू कचरा हो सकता है, म्यूनिसिपल वेस्ट जिसे अपन कहते हैं, शहरों में जो घरों से कचरा निकलता है उसको अपन म्यूनिसिपल वेस्ट भी कहते हैं। तो ये डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट हो सकता है, जो कि अधिकतर हॉस्पिटल से, क्लिनिक और हॉस्पिटल जांच केंद्रों से निकलता है। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल रिलेटेड वेस्ट भी होता है जो भी मृदा प्रदूषण क्रिएट करता है। और इसके अलावा एग्रीकल्चरल वेस्ट भी हो सकता है जो कि एग्रीकल्चर की वजह से निकलता है और वो सोइल पोल्यूशन को क्रिएट करता है। और इसके अगर अपन कारणों की बात करें अब अलग अलग, तो इसमें सबसे पहला है डीफॉरेस्टेशन। अगर लार्ज स्केल पे डीफॉरेस्टेशन होता है, प्लांट्स की कटाई होती है लार्ज स्केल पे, तो ये सोइल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। और अपन ने सब जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ सोइल पोल्यूशन को से ही नहीं बचाते, बल्कि ये एयर पोल्यूशन को कम करने में, मैनेज करने में, वाटर पोल्यूशन को कम करने में, सॉइल पोल्यूशन को, यहाँ तक कि नॉइज़ पोल्यूशन को भी, नॉइज़ को भी अब्जॉर्व करने का काम प्लांट्स करते हैं। तो अपन को जो प्लांट्स हैं, जो अपने मेन प्रोड्यूसर्स हैं, जो लिविंग, जितना भी लिविंग किंगडम है उसको ये प्लांट्स जो होते हैं ये ही एनर्जी के फ्लो के लिए मैनेज करते हैं। तो इनको अपन को प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। डीफॉरेस्टेशन के कारण सोइल पोल्यूशन होता है। सेकंड है ओवरग्रेजिंग। अगर बहुत ज़्यादा ओवरग्रेजिंग होती है, ओवरग्रेजिंग से भी डीफॉरेस्टेशन ही होता है, तो वनों का विनाश होता है और जो प्लांट्स हैं, जो भूमि है, एरिया है जिस लैंड की अपन बात कर रहे हैं जहाँ पे ओवरग्रेजिंग होती है, तो वो ट्री लेस हो जाती है या फिर प्लांट लेस हो जाती है। तो ओवरग्रेजिंग की वजह से भी सोइल पोल्यूशन होता है। और माइनिंग की वजह से भी सोइल पोल्यूशन होता है, क्योंकि माइनिंग की वजह से जब जो भी खदानें होती हैं जहाँ पर पत्थर निकाले जाते हैं और पत्थर निकालते हैं या पत्थरों को तोड़ने का काम करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो केमिकल्स हैं वो निकलते हैं और जो सोइल का खुद का जो कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जो सोइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो भी
डिक्रीज होने से सोइल पोल्यूशन होता है कि उसमें रहने वाले बायोटा है, सोइल में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके रहने के लिए यदि फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेंगी, और फेवरेबल कंडीशन में सबसे ज़्यादा होता है यूट्रोफिकेशन यदि हो जाता है तो भी वहाँ पे रहने वाले जो ऑर्गेनिक मटेरियल का यदि कंटेंट बढ़ जाता है तो भी वहाँ पे रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सोइल के अंदर वो मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और फिर सोइल की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो एग्रीकल्चर में जो अपन रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं वो यदि एक्सेसिव यूज करते हैं तो सोइल की जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर देते हैं, और फर्टिलिटी जो सोइल की है वो ख़राब हो जाती है। एक्सेसिव यूज ऑफ एरीगेशन, यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, कृषि की जाती है बहुत ज़्यादा, तो भी सोइल की के अंदर पाए जाने वाले जो उसका एक नेचुरल कंपोजिशन है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एरीगेशन की वजह से एक तो वहाँ पे अपन पानी देंगे, कृषि करेंगे तो पानी देंगे, पानी की वजह से जो उसके कंटेंट हैं, यूजफुल कंटेंट हैं सोइल के, वो रन ऑफ के द्वारा इनफिल्ट्रेशन के द्वारा वो ग्राउंड वाटर की तरफ मूव कर जाते हैं या फिर वो फ्लो हो जाते हैं, और इसके साथ साथ जो उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक या फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी एक्सेसिव में इरिगेशन होने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, और उसकी फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ह्यूमस कंटेंट यदि कम हो जाता है, कमी हो जाती है, तो भी वो सोइल जो होगी उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। और जो रोटेशन ऑफ क्रॉप है ये यदि प्रॉपर यूज अपन नहीं करेंगे, इसका अनसाइंटिफिक रोटेशन करेंगे क्रॉप्स का, तो भी जो सोइल की क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। और सोइल की क्वालिटी डिक्रीज होने से फ़र्क क्या पड़ता है? सबसे पहला फ़र्क जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो भी कृषि उत्पादन है उसमें कमी आ जाएगी, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें कमी आ जाएगी, और बायोडाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, जो लेक और रिजर्वायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ये सब जो होंगे फूड चेन्स हैं, ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, और इनके डिस्टर्ब होने के कारण जो अपने बायोजियोकेमिकल साइकिल चल रहे हैं, जो भी अपने यूजफुल मिनरल्स होते हैं जिनके बायोजियोकेमिकल साइकिल चलते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और ये सब सोइल पोल्यूशन हार्मफुल स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि अपन केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों का एक्सेसिव यूज करेंगे, इनकी वजह से सोइल पोल्यूशन होगा, और सोइल पोल्यूशन की वजह से ये स्थिति आएगी कि इन सब में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोडाइवर्सिटी, इन सब में रिडक्शन होगा। अब अपन देखते हैं सोइल पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो सोइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने का तरीका है कि अपन को सोइल फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कि अपन को सोइल फ्रेंडली एग्रीकल्चरल क्रियाविधियां करनी चाहिए, कृषि क्रियाविधियां करनी चाहिए, जिसमें कि अपन को एक्सेसिव में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज अपन को ना करके अपन को कंपोस्ट मैन्योर्स या फिर अपन को बायो फर्टिलाइजर्स, नेचुरल पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनकी जगह अपन को यूज करना चाहिए बायो फर्टिलाइजर्स और नेचुरल पेस्टिसाइड्स। जैसे कि आजकल यूज भी करने लगे हैं कि ऑर्गेनिक खाद अपन यूज करते हैं, जैसे कि केंचुए की खाद होती है, केंचुए की खाद अपन यूज कर सकते हैं, गोबर की खाद अपन यूज कर सकते हैं, और जो कंपोस्ट खाद अपन बना सकते हैं, जो भी अपना एग्रीकल्चरल वेस्ट है उससे अपन कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, जो अपना डोमेस्टिक वेस्ट है उससे अपन कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, और इनके द्वारा, इनको अगर अपन यूज करेंगे एग्रीकल्चर में तो वो मिट्टी की क्वालिटी को कम ना करके बढ़ा देगा। लेकिन अगर अपन केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं
तो वो मिट्टी की क्वालिटी कम होगी, क्योंकि वो केमिकल्स जितना यूज आने थे वो तो यूज आ जाते हैं और फिर उन केमिकल्स की मात्रा जो है वो सॉइल में बढ़ जाती है और उसका नेचुरल जो कंपोजिशन है वो ख़राब हो जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ रहने वाला जो बायोटा है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और वो सर्वाइव नहीं करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन की रेट कम हो जाएगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन कम होगा तो वहाँ पर जो भी अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। इस तरह से जो सॉइल प्रोडक्शन, जो सॉइल पोल्यूशन है वो क्रिएट हो जाएगा, तो उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। अब साइंटिफिक रोटेशन अपन क्रॉप का अगर करेंगे तो अपन फर्टिलिटी जो सॉइल की है उसको बढ़ा सकते हैं। यदि बिना सोचे समझे अपन ने क्रॉप रोटेशन किया तो जो सॉइल की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो अपन देखते हैं कि जब भी अपन कृषि, तुम सब लोग गांवों से आते हो, अधिकतर किसानों के परिवारों से हो, तो जानते हो कि जो कृषि है, कृषि करते हैं तो अपन ये करते हैं कि एक जो एरिया जिसमें एक ही तरह की फसल अपन हमेशा नहीं उगाते हैं उसको चेंज करते हैं कि इस बार अपन ने यहाँ पर गेहूं की फसल उगाई है तो अगली बार अपन वहाँ पर सरसों की फसल उगाएंगे, और जहाँ सरसों की फसल उगाई वहाँ अपन गेहूं की फसल उगाएंगे। क्योंकि एक ही तरह की फसल उगाने से उस फसल को, उन प्लांट्स को एक ही तरह की नीड होती है, और उस सॉइल में एक ही तरह की नीड कम्प्लीट करने से फिर उसमें एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मैटर नहीं आने से उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग फसल की, अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग होती है, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सब अलग अलग रेशियो में उनको रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से क्रॉप रोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है सोइल की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए। एक है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल और अर्बन सॉलिड और लिक्विड वेस्ट। जो भी डोमेस्टिक वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, तो सॉइल की क्वालिटी को अपन मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक वेस्ट है उससे कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है, उसको वाटर ट्रीटमेंट करके जो भी घरों से डोमेस्टिक लिक्विड वेस्ट निकलता है तो उसको अपन वाटर ट्रीटमेंट कर करके फिर अपन उसको, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डीकम्पोज करके मिट्टी में मिलाया जा सकता है और वाटर को यूज किया जा सकता है। तो ये वाटर और जो सॉलिड और वाटर ट्रीटमेंट है वेस्ट का, वो बहुत ज़रूरी है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट का। यदि इस वेस्ट को अपन मिट्टी में सीधा डाल देते हैं, किसी वाटर बॉडी में डाल देते हैं, तो ये वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है, साथ ही सॉइल पोल्यूशन के लिए ये जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि मिट्टी में वो हानिकारक तत्व मिल जाते हैं। इसके अलावा जो प्लांटिंग है, प्लांटेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सभी तरह के इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए अपन को सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्लांटेशन करना चाहिए, और इसके साथ ही जो ग्रेजिंग है वो कंट्रोल्ड ग्रेजिंग होनी चाहिए, और गार्बेज के जो ढेर हैं उनको अपन को रिडक्शन में करना चाहिए, और 3 R's का यूज करना चाहिए कि जो भी अपना वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट हो या एग्रीकल्चरल वेस्ट हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, उसको 3 R's, जो 3 R's का प्रिंसिपल है उससे अपन उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो अपना जो भी वेस्ट है उसको अपन रिसाइकिल करें, रिसाइकिल नहीं कर सकते तो उसका रीयूज करें, और ये रीयूज करें तो फिर रिड्यूस कर सकते हैं यूज को। रिसाइकिल कर लेंगे तो वो रीयूज होगा और फिर ये जो अपना है रिड्यूस हो जाएगा। तो 3 R से अपन जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसको अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, उनसे फिर से कुछ बनाया जा सकता है, और कुछ होती है रीयूज हो सकती हैं फिर, तो फिर वो जो अपना पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा जो लेजिस्लेशन है, इसका तो मेन रोल होता ही होता है कि स्ट्रिक्टली जो अपना लॉ है, जो एक्ट हैं,
जो अधिनियम हैं उनकी पालना प्रशासन के द्वारा स्ट्रिक्टली करवाई जानी चाहिए, तो वो हर तरह के पोल्यूशन को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा कदम होती हैं और मेंटेन किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और सीवेज और सैनिटाइजेशन जो सिस्टम है अर्बन एरियाज़ में मेनली, तो उसको अपन को इम्प्रूव करना चाहिए जिससे कि सोइल पोल्यूशन को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करके अपन सोइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सारे अगर अपन कंट्रोल करने के उपाय काम में लेंगे तो सोइल पोल्यूशन कम हो सकता है। आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग करते रहिए। थैंक यू।